हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। ओम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। देखो स्टूडेंट, अपन बात कर रहे थे रेशियो की। रेशियो में एक पार्ट पूरा कर लिया अनुपातों का, अब करेंगे समानुपातों की बात। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा, सिक्कों वाला बनाया था, सिक्कों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आपको भी पता है सिक्कों के क्वेश्चन हर बार पूछता है, एक बैग में इतने सिक्के 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के हैं, उस हिसाब को करके। तो एक बार वो वीडियो देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो ज़रूर देखें, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसमें क्वेश्चन डाले थे हमने, 15-20 बच्चों का आंसर आया, क्या बाकी को सही नहीं समझाया। एक बार दोबारा देखो वीडियो को, रिवाइज करके सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है, समानुपात क्यों होता है? देखो, एक होता है रेशियो, जो अपन ने इन जिन्होंने जो कोई भी चैनल पर नहीं आया ना, वो एक बार अनुपातों का वीडियो देखे। रेशियो होता है दो या दो से अधिक वैल्यूज को उठाकर कंपेयर करना। दो चीज़ें होती हैं, उनको उठा के कंपेयर करते हैं भाई। जैसे आई, आई क्या होती है, सैलरी होती है। जैसे एक 30,000 रुपये कमा रहा है, एक 20,000, तो दोनों की आय में कंपेयर करेंगे तो 3:2 का रेशियो आया भाई। ये 2 रुपये कमाएगा तो ये 3 रुपये कमाएगा उसके एवज में। उन चीज़ों के लिए यूज होता है अनुपातों का, दो या दो से अधिक चीज़ों के लिए। लेकिन इसका यूज होता है दो या दो से अनुपातों को कंपेयर करने के लिए। क्या बोला सर ने, दो या दो से अधिक अनुपात, जैसे ए अनुपात बी, इनको आपस में कंपेयर कंपेयर करने के लिए, बराबर सी अनुपात डी। दोबारा सुनो, समानुपात का यूज किस चीज के लिए होता है, दो या दो से अधिक अनुपातों को। देखो कितने अनुपात है, ए अनुपात बी, किसको कंपेयर कर रहे हैं, सी अनुपात डी को। तो इससे ही समानुपात बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में समझो कैसे आते हैं इसके क्वेश्चन, कैसे कैसे बन सकता है, क्या होता है ना, सारा समझाएंगे पूरा प्रॉपर एक ही वीडियो में, सारा समझा देंगे समानुपातों के बारे में। बस ये वीडियो एक बार ढंग से देख लेना, ठीक है। देखो एक बार, ए अनुपात भी दो या दो से अधिक अनुपातों को कंपेयर करने के लिए समानुपात का यूज होता है, बस ये पता होना चाहिए। देखो पहले वीडियो में बताया अनुपात को खड़ा कर सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर सी बटे डी लिखेंगे। खड़ा कर दिया इसको, इसके नीचे डाल दिया और इसको इसके नीचे डाल दिया, ठीक। वर्ड गुणा कर गो, ये बी सी से इंट होगा और ये डी, तो ए डी बराबर किसके रहेगा, बी सी के। क्या तुम ये चीज समझ पा रहे हो, क्या कुछ नहीं किया, ए अनुपात बी को कंपेयर कर रहा हूं सी अनुपात डी से, तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, वर्ड गुणा किया, तो ए डी बराबर रहेगा बी सी के बराबर। क्या तुम लोगों को ये चीज समझ में आई, क्या सभी को? तुम बोलोगे यस सर। तो इसकी फॉर्म ही कैसे बनती है, देखो इसको, इसकी जो फॉर्म बनती है ना समानुपात की, वो कैसे बनती है, देखो इसका साइन भी पता लग जाएगा। ए अनुपात बी लिखा, इस बराबर को नहीं लिखे, इसकी जगह क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे इसकी जगह, समानुपात। ये अनुपात का साइन होता है ऐसे करके, तो समानुपात का साइन कैसे होता है, ये चार डॉट, जो चार डॉट होते हैं ना, ये समानुपात का साइन होता है। सबसे पहले ये जीरो से देखो, ये वाला समझ में आया, ये समानुपात है, तो इसको लिखेंगे सी अनुपात डी। आया तुम लोगों को समझ में? ऐसे ही है सेम, बराबर लिख के नहीं देता, क्योंकि अनुपातों की बात कर रहे हैं तो डॉट तो साथ चलेंगे, तो ये क्वेश्चन ऐसे अरेंज होगा। अब जैसे ही चार, इसमें कितने पद होने जरूरी हैं, चार। देखो ए होगा बी, क्योंकि दो रेशियो इधर होने चाहिए, दो ही इधर, तो 1, 2, 3 और 4 पद होने जरूरी है, बहुत ये ध्यान रखना तुम लोग। तो बाएं वाला बाहर से पद से गुणा होगा और मध्य वाला मध्य पद से, तो ए गुणा डी करेंगे तो ए डी हो जाएगा बराबर, बी गुणा सी करेंगे तो बी सी, ये दोनों बराबर रहते हैं। मेरे को एक चीज बताओ, तुम देख के नहीं बता पा रही हो क्या कि सर दोनों समान हो गए, बताओ, आया समझ में? तो दोनों समान हो गए, तो ये बराबर का साइन है, इसको कैसे लेते हैं समानुपातों में, इस तरह से। तुम बोलोगे ये सर ये चीज समझ में आई। और देखो कभी कभी कुछ चीजें जैसे तुम्हारे ऊपर ऐसे लिख के दे देता है ए अपॉन बी सी अपॉन डी, समझ में आया? तो ये भी समानुपात का ही काम करती है। तो बाहर वाली से गुणा होगी और बीच वाली से, तो भी कितना हो गया ए डी बटे क्या होगा बी सी, है ना, ए डी बटे बी सी, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो ये चीजें ध्यान रखा करो, ये सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट है। तुम्हारे दिमाग में क्या फिक्स कर लेना है कि इसके चार पद आएंगे, ए अनुपात बी समानुपात, इसे बोलते हैं समानुपात, ठीक है, ये चीज पता होनी चाहिए, बाकी सारा समझा देंगे। सी अनुपात डी, इधर एक रेशियो होगा, इधर एक, बाह्य पद से गुणा, लिख लो बाह्य पद, इसको लिखो बाह्य पदों का गुणनफल, और ये होता है मध्य पदों का गुणनफल, ऐसे भी लिखा हुआ होता है बुकों में ना, गुणनफल
नहीं दिख रहा हो तो देखो मध्य पदों का गुणनफल लिखा है मैंने, ठीक है। तो बाह्य पद उसका बारह वाले से गुणा होगा, बीच वाले से पना होगा, समझ में आया। तो ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, इसी कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन आता है। कभी वो तुम्हें डी नहीं देगा तो ऐसे गुणा करके निकालोगे, कभी सी नहीं देगा, कभी बी नहीं देगा। अब कैसे कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन, कैसे कैसे एज ए पॉसिबल हो सकते हैं, एक बार देख लेते हैं। एक बार ये सारा उतार लेना और इसको एक बार कहीं पे ऐसी जगह लिख लो जहां तुम्हारे काम आता है, ठीक है। उतार लिया होगा समझे, हटा देते हैं। ये समझ में आया सबको, समानुपात में चार पदों ने जरूरी है, कौन कौन से, ए अनुपात, बोलो मेरे साथ, ए अनुपात, बी अनुपात, समानुपात, सी अनुपात, डी। तुम बोलोगे ये सर ये चीज समझ में आई, आ गया। अब तुम्हें ये कंसेप्ट पता चल गया, जब भी समानुपात की बात आएगी तो तुम क्या लिखोगे, ए अनुपात, बी समानुपात, सी अनुपात, डी। ये चीज समझ में आया सबको, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसमें जो जो कंडीशनें बनती है, जो बेसिक कंडीशंस बनती है वो बताते हैं। पहली कंडीशन लेते हैं, वो तुम्हें कभी कभी क्या बोलेगा, तुम्हें कोई सी भी चीज़ देके दो संख्या दे देगा। देखो कंडीशनें जो बनती है उनके बारे में बात करते हैं। उससे पहले एक बार देखो, बाय वाले में पद बाय वाले से गुणा होंगे और मध्य वाले मध्य, तुम्हारे दिमाग में फिक्स होना चाहिए बार वालों का गुणनफल मध्य वालों के बराबर होगा। अभी लिखवाया उससे पहले उसको देखो एक बार ध्यान से, ठीक है। पहली कंडीशन में लेता हूं, कैसे पहली कंडीशन में क्या पूछना चाहता है, मान लो तुम्हें ए और बी दे दिया और समानुपात लिख के देगा, वो समानुपात जैसे आते तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, एक दो तीन और चार वैल्यू का दिमाग में आना चाहिए ऐसे कैसे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन कैसे लिख के देगा, मध्य पद देखो, मध्य पद होता है ये रहा बीच के, तृतीय पद होता है चतुर्थ। तो सबसे पहले मध्य पद की बात करते हैं, देखो मध्य पद ज्ञात करें ऐसे देगा, मध्य पद देखो ये छोड़ो, ए और बी क्या लिखा संख्या, ए और बी का मध्य, ए बी का मध्य समानुपाती ज्ञात करें। तुम्हें सिर्फ ये देखना है समानुपाती का नाम आते तुम्हारे दिमाग में ये चीज फिक्स हो जानी चाहिए। जो भी चीज आएगी वो चार टुकड़ों में होगी, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, समझ में आया, चार होगी ना, ए बी और सी और डी, ठीक है। तो मध्य समानुपाती एक टाइप ही बनते, इंपॉर्टेंट करके डालना, ए और बी का मध्य समानुपाती ज्ञात करें, ऐसे लिख के देगा क्वेश्चन, समझ में आया। तो कैसे, कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे सर समझ में नहीं आया, पहले ही पता था, देखो एक बार नहीं समझ में आया तो, ए और बी का मध्य समानुपाती मतलब बीच वाली संख्या ज्ञात करनी है, मध्य का मतलब तो जान रहे हो ना बीच वाली, तो बीच वाली मान लो कोई एक्स संख्या रही होगी, ठीक है। लेकिन समानुपात का नाम आया है तो समानुपात कितने टुकड़े कितने भाग होने चाहिए, एक दो तीन और चार, ये दिमाग में फिक्स होना चाहिए तुम्हारे। जो चीज पूछिए मध्य समानुपाती में उसको दो बार लिखो, तो ए अनुपात एक्स पूछा है तो एक्स समानुपात लगाते हैं, इस फॉर्म में लेके जाना है क्वेश्चन को, ठीक है। समानुपात फिर एक्स लगाओ और क्या लगाओ बी, समझ में आए सभी को, नहीं आए दोबारा देखो, इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। अपने पास दो ही वैल्यू है, बीच वाली पूछिए तो बीच वाली को दो बार लिखो, चार होनी चाहिए ना, एक ये और मध्य समानुपाती ज्ञात करनी है, तो कितनी बार लिखा, दो बार समानुपात लगा के, बार वाले से गुणा होगा मध्य वाला मध्य वाला। इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, एक ही वीडियो में सारा समानुपात का कंसेप्ट समझाएंगे, एक ही वीडियो काफी है पूरा समानुपात के लिए ना, कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना इसको देखने के बाद, ठीक। ए और बी ए बी से गुणा होगा, कर रहे थे ना उस टाइम, ए और बी ए बी से गुणा होगा तो कितना हो गया ए बी। बारह पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल पे, तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर देखो इधर लिख लो, इसको ऐसे नहीं लिख के इधर लिख लो, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, अरे उल्टा ही तो क्या उधर लिख दिया उसको, तो एक्स की वैल्यू चाहिए अपन को, क्योंकि ये चाहिए था अपन को तो मध्य पद, तो एक्स की वैल्यू चाहिए तो रूट में क्या लो ए बी। आया क्या सभी को समझ में, कुछ नहीं गया, जो चीज निकालनी है उसको x मान लिया, x को दो बार लिखा, तो a और b ये चल रहे a और b और d इस वाले को दो बार, क्योंकि पद कितने बनाने हैं चार, a b c और d, क्योंकि समान पद में चार पद होने चाहिए और बीच वाला डॉट डॉट होना चाहिए, ठीक है समझ में। इसको ऐसे भी बोल सकते हो तुम लोग, सर वहां तो बराबर किया था, तो यहां भी कर सकते हैं, a अनुपात x बराबर x अनुपात b, ये भी वही बात है जो ये बोल रहे हैं, तो a अपॉन x करेंगे इसको बराबर x अपॉन b करेंगे, x x से गुणा होगा और b b से गुणा होगा, तो x स्क्वायर बराबर ए बी, फिर x की वैल्यू कितनी आई रूट ए बी, समझ पा रहे हैं सभी, कैसे भी कर लो एक ही बात है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है।
एक बार ये चीज समझ में आई ना सबको, तो एक क्वेश्चन देखो कैसा आएगा इस पे, इसके बेस पे क्वेश्चन देखो, एक बार इसको उतार लेना ढंग से, किसी को समझ नहीं आए तो एक बार दोबारा रिवर्स करके देखे फिर लियो को, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। इसी बेस पे क्वेश्चन लिखा रहा हूं, मान लो तुम्हें कोई भी संख्या दे सकता है, जैसे 9 और मान लो कितनी दे दी, 64 दे दी, समझ में आया, 9 और 64 दे दी, 9 और 64 का देखो, 9 और 64 का मध्य समानुपाती ज्ञात करें, आया समझ में, 9 और 64 का मध्य समानुपाती ज्ञात करें, ये एग्जांपल लिया इसी के बेस पे, है ना, ये इसको उतार के ये एग्जांपल इसी के पास उतार लेना, इन फ्यूचर तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। 9 और 64 का मध्य समानुपाती ज्ञात करने के लिए तुम्हें पता है सर ने क्या बताया, सर ने क्या बताया, जब भी तुम मध्य समानुपाती मतलब x निकालना है तो x की वैल्यू बराबर क्या करोगे, जो भी a और b दे रखा है, तो ये a का काम कर रहा होगा और ये b का, इन दोनों को क्या लेना है, देखो x की वैल्यू के लिए a b चाहिए, a की वैल्यू क्या काम कर रही है 9 और b कितना है 64, तो 9 का रूट होता है 3 और 64 का रूट होता है 8, तो 8 + 24, तो तुम्हारा आंसर कितना आया 24। इजी था, समझने के बाद सारी चीजें इजी लगती है, किसी को ये लग रहा है सर बेसिक से बताओ एक बार, तो बेसिक से कैसे करोगे, देखो बीच वाले कितने पदों में बनाना पड़ेगा समानुपात, 4 पदों में होता है, तो 9 अनुपात बीच वाले को 2 बार लिखो, मध्य अनुपात को, ये समानुपात x अनुपात 36, ऐसा ही था, तो बोलोगे यस सर, 12 वाला 12 वाले से गुणा करके आओ, मध्य वाला मध्य वाले से, तो x स्क्वायर बराबर 9 × 36, ठीक है, 9 × 36 आया, तो x बराबर कितना आएगा, रूट लगा दो इन पे 9 और 36 पे, दोनों का निकालेंगे तो 3 आ गया, 6 आ गया, 36 थोड़ी था, 36 नहीं था 64 था, 36 नहीं था 64 था भैया, देखो यहाँ पे 64 लिखा था, 64, तो यहाँ पे भी कितना लो 64, तो ये कितना हो गया 8 हो गया, 8 + 24, 36 भी आ सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, समझ में आया, अपन ने नोट 64 का लिया है तो वहाँ पे भी सॉल्व भी किससे करेंगे इससे, तो यहाँ पे भी चॉइस आया तो वहाँ पे भी चॉइस, तो ये चीज़ सबको पता भी होनी चाहिए, रटेगा कोई नहीं, ये ध्यान देना रटेगा कोई नहीं, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो, ये कहाँ से आया, ये भी तो बेसिक था, ठीक है, एक टाइप ये बन सकती है ना तुम्हारे लिए, घर के लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सोल्व करके भेजना, मैं बोलूँ 81 तथा 100 का मध्य समानुपाती, देखो लिख ही देते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये उतार लो एक बार, ये उतार लो तुम्हारे काम की चीज है, उतार लिया एक बार, ये लिख लो क्वेश्चन, लिखवा देते एक बार, इसी बेस पे क्वेश्चन करके भेजो तुम, अब के बाहर ध्यान रखना इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सोल्व करके भेजा करो तुम लोग, ठीक है, 81 तथा 100 का मध्य समानुपाती ज्ञात करें, ये कटा नहीं है लाइन यहां से खींच के, समानुपाती ज्ञात करें, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऑप्शन लिखो 80, बी ऑप्शन लिखो 90, सी ऑप्शन लिखो 70, डी ऑप्शन लिखो 81, ठीक है, तुम्हें क्या करना है, ए किसी का ऑप्शन ए आए तो ए लगा के भेजेगा कमेंट बॉक्स में, बी आए तो बी भेजेगा, सी आए तो सी भेजेगा, और डी आए तो डी, ठीक है, ये क्वेश्चन उतार लो। अब लेते हैं अगली टाइप, और ये टाइप इसको ऐसे कैसे उतार के, ये एग्जांपल इसके पास उतार लेना, इन फ्यूचर बहुत काम आएंगे, क्वेश्चन सीधा ही पूछता है, दो संख्या देगा पूछेगा मध्य समानुपाती ज्ञात करें, तो इस तरह से करके आना है। अगला लेते हैं तृतीय समानुपाती, ये समानुपात के सारे कंसेप्ट है, अगला लेते कौन सा, तृतीय समानुपाती, ठीक है, ये समझ में आया ना, समानुपात 4 में होगा, 4 वैल्यू होनी चाहिए इसमें, समानुपात में कितनी वैल्यू होनी चाहिए, 4, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये होना चाहिए, ठीक है, समानुपात में मध्य समानुपाती हो गया, ठीक है, दूसरी टाइप लेते हैं चतुर्थ समानुपाती, तृतीय समानुपाती, देखो पहले तृतीय समानुपाती क्या, तृतीय समानुपाती
तीसरे नंबर का निकालना आपके बार पद, आपके बार तृतीय समानुपाती पूछा है तो तुम्हें संख्या कितनी देगा, दो देगा। समझ में आप, तृतीय समानुपाती का कंसेप्ट देखो, जैसे कोई एग्जांपल ले, ए तथा, ऐसे लिखो रहे, ए तथा बी का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। क्या करें, देखो हैंड राइटिंग को समझने की कोशिश करो, अपनी हैंड राइटिंग ऐसी चलती है, ठीक है। ए तथा बी का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें, कैसे करोगे, कैसे करोगे? देखो अभी पहले था मध्य समानुपाती, इन चीजों को अलग से ध्यान रखना। तृतीय समानुपाती पूछा है तो तुम क्या बोलोगे, सर अब की बार तीसरे नंबर का पूछा है, ए अनुपात बी तो है, मतलब यहां तीसरे नंबर का पूछा है, कोई चीज यहां पे आएगी? समझ में, जो भी चीज पूछी है यहां की पूछी हो, आया समझ में? तो तृतीय समानुपाती निकाल लोगे, लेकिन नाम क्या है, समानुपाती। तो कितने अनुपात होने चाहिए, एक दो तीन और चार में बनाने के लिए बीच वाले को दो बार लिख दो, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, ए और बी का तृतीय समानुपाती निकालने के लिए कैसे लिखोगे, ए अनुपात बी, समा अनुपात बी अनुपात कौन सा लिखोगे, एक्स। देखो बीच वाले को दो बार लिख दिया, ए अनुपात, देखो समानुपात बनाने के लिए चार, एक दो तीन और चार, तो ए अनुपात बी, समानुपात बी अनुपात एक्स, इस तरह से याद रखना एक चीज, ठीक है। तृतीय पूछा है तो तीसरा मानेंगे, पहले मध्य पूछ रहा है तो बीच वाला मान रहे थे, समझ में? कंसेप्ट वही लगाने, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। क्या लगा, क्या हो गए, बाह्य पदों के गुणनफल बराबर होता है मध्य पदों के गुणनफल के। तो तुम यहां क्या लगाओगे, ए एक्स बराबर हो गया बी स्क्वायर, बी और बी को गुणा कर दिया, बाह्य पदों का गुणनफल ए गुणा एक्स नहीं हो रहा क्या भैया, तो बी गुणा बी कितना हो गया, बी स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बी स्क्वायर अपॉन ए। आया समझ में, आया सभी को? तुम बोलोगे यस सर, दोबारा समझो, नहीं आया, ए और बी देगा, पूछेगा तृतीय समानुपाती, पहला दूसरा तीसरा, तृतीय का मतलब क्या होता है, तीसरा, तीसरा एक्स मान लिया, तो ऐसे बढ़ा करके चार पद बनाने हैं इसके, सबसे पहले ये ध्यान रखो चार पद बनाने हैं। तो ए अनुपात बी, समानुपात बी अनुपात एक्स, बारह वाले से गुणा हो गया बीच वाले से, दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, बी स्क्वायर अपॉन ए। ये चीज समझ में आएगी सभी को, तुम बोलोगे ये सर एक बार उतार लो इसको। अब देखो एग्जाम्पल कैसे आएगा, एग्जाम्पल देखो एक बार, जो क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, जैसे तुम्हें कोई भी संख्या दे देगा वो, समझ में आया तुम लोगों को, जैसे तुम्हें दे दिया, मान लो तुम्हें दे दिया पांच तथा दस का, क्या दिया, पांच तथा दस का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें, क्या ज्ञात करें, तृतीय समानुपाती। कैसे करोगे सर, कुछ नहीं करना, ये ए हो गया, देखो ये पांच है ना, पांच ही, ये ए का काम कर रहा है और ये बी का, अभी अभी तुमने क्या निकाला, बी स्क्वायर अपॉन ए करना है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए करना है किसके लिए, तृतीय समानुपाती के लिए, तो बी कितना है, दस, तो दस गुणा दस करोगे तुम लोग, और नीचे एक की जगह क्या रखोगे, पांच, पांच दूनी दस होता है, तो कितना गया, बीस, तो बीस तुम्हारा सटीक आंसर रहेगा। किसी के बच्चे के मन में ये हो कि सर एक बार पूरा करवा दो, तो कैसे करोगे, मान लो पांच और दस है, पांच और दस दो तो आ गए अपने पास, लेकिन देखो पांच और दस तो आ गया, लेकिन तृतीय समानुपाती एक्स, तो यहाँ एक्स लगा के तीन ही पद हुए, पद कितने होने चाहिए, एक दो तीन और चार, तो यहाँ समानुपात लगा के दस को दो बार लिखो और क्या लिखो, एक्स, बारह वाले से गुणा हो जाएगा बीच वाले से, तो पांच गुणा एक्स बराबर, देखो इधर बारह वाले से गुणा होगा, तो पांच गुणा एक्स बराबर दस गुणा दस, पांच का भाग इधर नीचे देखो, वर्ग गुणा करके नीचे जाएगा, तो पांच से कट गया, पांच दूनी दस, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, बीस। बताओ समझ में आए सभी को? देखो धीरे धीरे इन चीजों को समझो, सबको समझ में आएगा, सारी चीजें इजी होती है। इसको ऐसे कैसे उतार के, ये एग्जांपल इसके नीचे उतार लो, इससे तुम्हारे इन फ्यूचर कभी भी दिक्कत आए तो तुम ठीक कर पाओ, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन बुकों में बहुत सारे हैं, इनके प्रैक्टिस करो, ठीक। एक बार इसको उतार लो, एक क्वेश्चन लिखवा देते हैं घर के लिए, करके भेजना, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, देखो क्वेश्चन लिख देते हैं, यहाँ चेंज कर देते हैं वैल्यू, ठीक है, वैल्यू चेंज कर देते हैं यहाँ पे,
ठीक है, 64 और 128 लिखा हुआ है, समझ में आया? ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो रे, ऑप्शन लिखे हैं ए ऑप्शन 256, बी ऑप्शन 254, 250 और 300, 350। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को करना है ये 64 और 128 का तर्तीय समानुपात ज्ञात करें। तुम्हें जो भी ऑप्शन आए, किसी का 256 आए तो ए लिख के टाइप करें, किसी का 254 आए तो बी लिख के टाइप करें। ठीक है, इन चीज़ों को भेजो, उसे पता लगता रहे कि किसका ठीक हुआ है। ठीक है ना, देखो अगली टाइप और देखते हैं। इसमें तीनों भी ना तृतीय समानुपात हो गया, अब देखो एक और देखो तीसरी, चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती देखो भैया, समानुपाती यह है चतुर्थ समानुपाती। ठीक है, चतुर्थ समानुपाती में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है चौथा पद ज्ञात करना है। चतुर्थ समानुपाती के नाम से क्या पता चल रहा है, चौथा पद ज्ञात करना है। क्यों, देखो कितने पद होते हैं, 1, 2, 3, 4, अपन ने मध्य पद कर लिया, तृतीय कर लिया, अब चौथा ही तो रहा, चौथा पद ज्ञात करना है। देखो चतुर्थ समानुपाती में कैसे क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम्पल के हिसाब से एक बार फॉर्मेट देखो, वो तुम्हें देगा ए बी तथा सी का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करें, समझ में आया? देखो क्या लिखा, ए बी तथा सी, अब की बार तीन पद दे दिए, मतलब एक ही पद बनाना है, तो तुम ए तो इजी पड़ेगा तुम्हारे लिए, खुश हो जाओ। ए अनुपात बी समा अनुपात सी अनुपात एक्स, देखो ए और बी और सी तो ऐसे कैसे रख दिया, और जो चतुर्थ नहीं था वो कर दिया। अब कंसेप्ट क्या बोलता है समानुपात का, सर उसे पढ़ा रहे ना, समानुपात बोलता है बाह्य पदों का गुणनफल, सर बाह्य पदों का गुणनफल किसके बराबर होता है, मध्य पदों के गुणनफल के, तो बाह्य गुणनफल ए गुणा एक्स करो। सभी बच्चे ध्यान दे, इस चैप्टर को ढंग से पढ़ के जाना, इस चैप्टर में समानुपात को पढ़ के जाना, एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछ रहा है एग्जाम में, समझ में आया? बहुत काम आएगा जब एग्जाम में बैठोगे। ए गुणा एक्स बराबर है बी गुणा सी, भाई दोनों पदों का मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होगा मध्य पदों का गुणनफल पर, तो एक्स बराबर तुम्हारे क्या आ गया, बी गुणा सी हो गया बी सी अपॉन ए। क्या ये बात तुम समझ पाए क्या सभी लोग, जब भी चतुर्थ समान पद पूछेगा तो 1, 2, 3 पद तो थे, चौथा पद नहीं था, मतलब चतुर्थ है, चौथा पद रख दिया x, सारा कैलकुलेट किया तो बी सी अपॉन ए। क्या ये चीज़ तुम समझ पाए क्या सभी लोग, तो जब भी तुम्हें चौथा समान पद पूछेगा तो चौथा समान पद x का काम करेगा तो बी सी अपॉन ए करके आएंगे। एग्जाम्पल देख लो, सारा समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से देखो एक बार जिनको समझ नहीं आया। मान लो तुम्हें अब की बार संख्या दे दी, संख्या दे दी मान लो 5, 35 और 30 दे दिए, समझो रहे, 5, 35 और 7 दे दी संख्या, 5, 35 और 7 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। क्या है क्वेश्चन एक बार देखो दोबारा, 5, 35 और 7 का तृतीय समानुपाती ज्ञात करें। तुम क्या करोगे, सर समानुपात में ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी होते हैं, चार वैल्यू होती है, ये तीन है, तो तुम्हें अभी अभी बताया कि चौथी वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करोगे, बी और सी, तो बी का काम देखो, ये तो ए रही होगी, ये बी रही होगी और ये सी, तो बी और सी का गुणनफल तो 35 गुणा 7, कैसे देखो ये रहा, एक्स बराबर तुम्हें क्या करना है, बी और सी का गुणनफल करके एक का भाग देना है, रखो बी की जगह 35 रखा, सी की जगह 7 रखा, और एक की जगह कितना रखोगे 5, 5 से काटो 5 7 35, जो भी आएगा एक्स की वैल्यू आएगी कितना आया 49, तो तुम्हारा सटीक आंसर क्या रहेगा 49 रहेगा, समझ में आया तुम लोगों को, तुम्हारा सटीक आंसर क्या रहेगा 49। अगर किसी बच्चे को ये लग रहा है सर एक बार पूरा बता दो, पूरा बता दो, तो देखो कैसे करके आना है, इधर ये थोड़ा सा देखो एक बार, दिख तो रहे ना सबको, देखो 5 अनुपात समान, देखो 5 अनुपात 35
और जैसे ही दो रेशियो आ जाते हैं उसके बाद क्या लगता है, सम अनुपात लगता है। स्टार्टिंग से बता रहे हैं, सात अनुपात जो चीज पूछी है, चौथा पद तो एक्स लगाओ, बारह वाले से गुणा होगा, बीच वाले से, तो पांच गुणा एक्स बराबर होगा पैंतीस गुणा सात, तो एक्स बराबर होगा पैंतीस गुणा सात बटे पांच, पांच से कटा सात बार, सात को सात से गुणा करके लिखोगे तो कितना नहीं आता, उनचास नहीं आता क्या? तुम बोलोगे ये सब, ये चीज समझ में आ गया सभी को, ये चीजों को ढंग से उतार लेना, ये चतुर समानुपात लिखना इंपोर्टेंट डाल के, उसका ये सारा बेसिक कंसेप्ट लिखना, उसके नीचे ये एग्जांपल उतारो, ठीक है, ये उतार लो एक बार, ये उतार के इधर हो जाते लो, ये उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पोज करके उतार लेना, ठीक है ना। अब देखो तुम्हारे लिए घर के लिए इसी का एक एग्जांपल देते हैं, कमेंट बॉक्स में डालना, देखो एक बार यहां पे देते हैं तुम्हारे लिए इसी में, देखो इधर तुम्हें क्या दिया, एग्जांपल ले लेते तुम्हारे लिए घर के लिए, तेरह पैंसठ और मान लो तुम्हें क्या दिया, नौ दे दिया, ठीक है, तथा नौ, ऐसे लिखो तथा नौ का चतुर्थ समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करें, क्या देगा एग्जामिनर, तेरह पैंसठ और नौ का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करें, ऑप्शन लिख ले जाओ इसके, ठीक है, ऑप्शन लिख लो, चालीस होगा क्या, बी ऑप्शन देखो छत्तीस होगा क्या, सी ऑप्शन लिख लो पैंतालीस होगा क्या, डी ऑप्शन लिख लो पचास होगा क्या। तुम्हें कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को जैसे ये बताए उसी हिसाब से इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करवाया, जिसका भी आंसर आ जाए, जिसका ए आए ए सेंड करेगा कमेंट बॉक्स में, जिसका बी आए बी करेगा, जिसका सी आए सी करेगा, जिसका डी आए डी। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई क्या? ये एक ही वीडियो में सारा समानुपात का कंसेप्ट है, अगर ये वीडियो तुम पढ़ते हो तो तुम्हें समानुपात में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। समानुपात के मर्जों के क्वेश्चन भी आते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा करवा देते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो, ये हटा दो चतुर समानुपाती हो गया, ये देखो इसको हटा देता हूं एक बार, देखो मर्जों के कैसे आते हैं, एक क्वेश्चन करवा देते हैं, बाकी तुम बुकों से ढूंढो, इतने क्वेश्चन एक साथ एक वीडियो में नहीं करवा सकते, लेकिन ये समानुपात का पूरा डिटेल बता दिया, अगर इसको तुम पढ़ते हो तुम्हारे बहुत काम आएगा, ठीक है। एक बार देखो क्वेश्चन जैसे तुम्हें दिया चार चार तथा सौ का मध्य समानुपाती तथा मध्य समानुपाती निकाल लिया ना, मध्य समानुपाती तथा तृतीय और निकाल लेते हैं, ठीक है, तो तृतीय समानुपाती और समानुपाती तथा तृतीय समानुपाती निकाल कर दोनों के मध्य अनुपात ज्ञात करें, क्या पूछ लिया एग्जामिनर ने, दोनों के मध्य अनुपात क्या होगा। देखिए चार तथा सौ का मध्य समानुपाती तथा तृतीय समानुपाती हटा दो, मध्य समानुपाती दो समानुपाती का समानुपाती निकालकर दोनों के मध्य अनुपात क्या होगा। तो कुछ नहीं पूछा एग्जामिनर ने, क्या पूछ लिया तुम्हें, सबसे पहले एक तो क्या निकालना है, मध्य समानुपाती का कंसेप्ट क्या है, एक्स बराबर क्या लगाओगे तुम लोग बताओ रे, एक्स स्क्वायर बराबर तुम क्या लगाओगे, एक्स बराबर लिया था तो रूट ए और बी,
ये तोता किसका? मध्य का, मध्य समानुपात का। तृतीय समानुपात के लिए क्या लगाओगे? तृतीय समानुपात का जो बीच वाला गैप था, क्या लगाओगे तृतीय के लिए? बी स्क्वायर अपॉन ए, ये तो बताया था तृतीय समानुपात x बराबर, ये लगा दो। तुम्हें कुछ नहीं करना, पहले देखो ये इसमें लगाओगे तो आंसर आएगा। एक बार बेसिक से करवाते हैं। चार मध्य समानुपात निकालना है तो ये x मान लो, बीच वाला, बीच वाला क्या मानोगे? मध्य में x, मध्य की बात कर रहा हूं मैं, पहले मध्य निकाल लेते हैं। बीच वाले को x माना तो समानुपात दो वाले को, बीच वाले को और इधर के तले का 100। यहां इस पे ऐसे करा, ये रूट लिया तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 4 × 100। देखो 4 × 100 गया तो x बराबर कितना आया? 4 × 100। तो x बराबर कितना गया? कितना गया? 20 आ गया। तुम बोलोगे ये सर अरे रूट निकालनी है ना 400 का, 20 का रूट ही तो होता है। ठीक आ गया। तृतीय समानुपात की बात कर रहा हूं, ये मध्य था, ये तृतीय। देखो तृतीय समानुपात के लिए क्या कंसेप्ट था? तृतीय अनुपात के लिए था कि सर 4 अनुपात बीच वाले को 2 बार लिखना है, तो किसको लिखोगे? 100 को 2 बार लिखोगे और इसको क्या मानोगे? तृतीय को x। बाहर वाला पद बाहर वाले से गुणा करके आना, मध्य वाला मध्य वाले से, तो बाहर का गुणनफल मध्य वाले के गुणनफल के बराबर होगा कि नहीं? तुम बोलोगे यस सर। तो x बराबर देखो 4 का भाग उसमें दे दो तो 4 से यहां से काट दो 25, तो x बराबर कितना गया? 2500। पूछा गया है इन दोनों का रेशियो, पूछा उठा के किस किस का? तृतीय मध्य समानुपात का और तृतीय समानुपात का रेशियो पूछा है। समझ में आया? तृतीय समानुपात का क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। रख दो मध्य समानुपात तुम्हारे पास 20 आया है, तृतीय समानुपात तुम्हारे पास 2500 आया है, दोनों का रेशियो बना लो। रेशियो कितना आया निकल के? 2:25। किसी का अगर 2:25 आ रहा है तो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत आई? इसमें सारा समानुपात डाल दिया तुम लोगों के लिए, सारी मेहनत की है। ठीक है, देखो पसीना भी आ रहा है, सबके लिए सारी मेहनत की है। एग्जाम से पहले एक बार पूरा देख के जाना, 2 क्वेश्चन कम से कम पूछेगा हमें ये लगता है। एक तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन 2 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये सारा कंटेंट तैयार करके जाओ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, ले लिया होगा। ये सारा कंटेंट तैयार करके जाओ, उसके बाद प्रैक्टिस करो कहाँ से? बुकों से। एक बार क्वेश्चन देखो, ऐसा नहीं हो सकता कि तुमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे। ठीक है, आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। ये तुम्हारा अनुपात का जितना भी हमें लगा कि ये कंटेंट ठीक रहेगा वो सारा ले लिया, दूसरे चैप्टर की बात करेंगे। अगर किसी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और ये ध्यान रखा करो, तुम पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दिया करो, इन चीज़ों को समझा करो, बुकों से प्रैक्टिस किया करो। फिर भी अगर कोई बुक से प्रैक्टिस कर रहा है फिर तुम्हारे पास सुविधा नहीं है कि सर कहाँ डालें, तो देखो 7791092599 पे तुम्हें वो प्रॉब्लम डाल देनी है जो तुम्हें नहीं आ रही। ठीक है, लेट ही भले ही व्हाट्सअप नंबर है, ध्यान रखो ये व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देना है, लेट ही भले ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा। बाकी कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर बताया करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।